को मैं बना रही हूँ सूजी की इडली और सांभर। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है साउथ इंडियन खाना, बस करण को ज़्यादा पसंद नहीं है। और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है मेरा मॉर्निंग रूटीन, यानी मॉर्निंग से लेकर नून तक मैं किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। स्पेंड क्या करती हूँ कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो रोज़ ही सेम होते हैं, तो उनको किस तरीके से मैं करती हूँ, कैसे अपना टाइम बचाती हूँ और कैसे वो एक के बाद एक मेरी आदत पड़ गई है करना, वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, अब क्योंकि समर्स हैं तो आम आ रहे हैं, तो उसकी एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी भी है जो बहुत ही आसान है बनाने में और आप लोगों को ना बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से ये शाम का टाइम था, मेरा डिनर तैयार हो गया है और अब कल सुबह से शुरू करूँगी वीडियो शूट करना, जिसमें आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और जो मैंने ये सांभर बनाया है, अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अभी इसको थोड़ा सा पकाना है। और किस तरह से मैं ये साउथ इंडियन चीज़ें बनाती हूँ जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे तो मुझे बहुत अच्छी बनानी नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जितनी आती हैं वो शेयर करूँगी। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। सुबह उठकर मैंने जल्दी अपना काम जो मैं करती हूँ उसमें सबसे पहले होता है बाहर का काम करना और अपना कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना जो सुबह नहीं हो पाती है, जिसको मैं इवनिंग में ही करती हूँ। रात को शानू ने सैंडविच बनाए थे, तो देखो सैंडविच मेकर बाहर ही रखा हुआ है। और मॉर्निंग में मैंने छत की सफाई इस टाइम कर दी है और अब मैं बनाऊँगी चाय। मॉर्निंग की जो चाय होती है ये मेरे से नहीं छूटती है। हाँ, जब बहुत तेज़ी के तरीके से मैं अपना वेट कम करने की कोशिश करती हूँ तब मैं इसे छोड़ भी देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग की चाय ज़रूरी है मेरे लिए। और मुझे मंगानी है ग्रॉसरी, तो थोड़े बहुत जो ग्लास के कंटेनर्स हैं वो रात को ही मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि उससे ना उनके टूटने का डर नहीं रहता। वरना अगर बाहर छोड़ दो उनको दिन के टाइम वॉश करके, तो थोड़ा सा उन्हें टूटने का डर रहता है। और ये हैं चने, जो कि करण खाता है ब्रेकफास्ट में, तो इन्हें बॉयल कर दूंगी, वो सादे ही कच्चे इन्हें खा लेता है। और मॉर्निंग के टाइम पर कोई भी चीज़ की टेंशन लेना या कोई भी चीज़ उल्टी सीधी सोचना ये बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ। ये मैंने आदत अपनी बनाई थी कि सुबह उठ के कुछ अच्छा सोचना, कुछ अपने लिए पॉजिटिव सोचना और एक चाय पीते पीते दिन की शुरुआत करना। और अब चाय पीने से पहले मैंने लॉन्ड्री अपनी लगा दी है, या तो मैं रात को ही तैयारी करके रख देती हूँ और सुबह केवल एक बटन दबाना होता है, तो जितनी देर मेरी चाय का काम होता है या थोड़ी बहुत सफाई होती है ना, कपड़े भी वॉश हो जाते हैं। सुबह उठकर क्योंकि गर्मियां हैं तो अब मैं नहाती नहीं हूँ, पहले तो जाड़ों में सुबह उठ के नहाने के बाद पूजा करके ही मैं घर के काम करती हूँ, लेकिन गर्मियों में बाहर का काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज मैं ना बाहर के एरिया की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि पौधों को थोड़ा सा हटाना है, पुराने पत्ते तोड़ने हैं और बिल्कुल जितने भी प्लांटर्स हैं उन्हें हटा के क्लीनिंग करनी है। और जब मैं ये पानी दे रही थी ना, तो मेरे कैमरे के ऊपर भी पानी चला गया और मैंने वो बाकी का पार्ट शूट नहीं किया। और इसे करने में ना मुझे पूरा एक बढ़िया टाइम लगता है। बाहर की सफाई करने के बाद ये टाइम होता है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी करने का। अब रात में इडली बच गई थी तो वही सब लोग ब्रेकफास्ट में कर लेंगे, मैं ब्रेकफास्ट में इडली नहीं खाऊंगी, कुछ अपने लिए बना लूंगी। और गर्मियों का सीज़न है तो आम आ रहे हैं, तो इस टाइम मैं ज़्यादातर मैंगो शेक बना के रख देती हूँ। लेकिन आज आपके साथ एक बहुत बढ़िया रेसिपी शेयर करूँगी, तो उसके लिए मैंने थोड़े से आम छोटे छोटे कट कर लिए हैं और थोड़ा सा मैंने आम को ना प्यूरे बना लिया है, और नहीं तो मैंगो शेक भी बन जाएगा। इसी टाइम बना के रख देती हूँ तो बच्चे पी लेते हैं। तो पानी की बॉटल्स को भरना, ब्रेकफास्ट का काम करना, ये सब सुबह का काम होता है। और इसी वक्त में लंच को भी बना के रख देती हूँ। और इस वक्त करीब 6:30 से 7 के बीच का टाइम होता है और मैं बनाऊंगी आज दाल। और जब ये दाल बनेगी या लंच का काम होगा तो उतनी ही देर में मैं करूंगी अपनी डीप क्लीनिंग सफाई। और ये एक मेरी आदत है कि जब कभी भी मुझे सोफे वगैरह या डस्टिंग करनी होती है ना, तो जो भी मेरे हाथ में दुपट्टा लगता है उसी से मैं क्लीनिंग करने लगती हूँ। इससे ना ये डर नहीं रहता कि गंदे कपड़े से कि सोफे पे कोई दाग आ जाएगा। तो आज इस एरिया की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग क्या, थोड़ा सा सोफे हटा के सफाई करनी है। और इस टाइम लंच बन रहा है तो इसी टाइम में अपनी बाकी की जो भी साफ सफाई होती है, अपने बेड ठीक करने होते हैं, ये सारे काम कर लेती हूँ। अब इन कामों को कभी कभी अगर हम किसी काम
काम में लग जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे अभी अगर यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं और मूड हुआ कि इसे और अच्छा साफ़ करें तो टाइम जाहिर सी बात है ज़्यादा लगता है। तो इसलिए किसी टाइम को लेकर मैं बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रहती हूँ। बस मुझे ये ध्यान रखना होता है कि मेरा हर हाल में 9 बजे तक जो ये घर का सारा काम होता है 8:30-9 के बीच में ख़त्म हो जाए। तो जैसे डीप क्लीनिंग करनी है तो थोड़ा सा ये डिले भी हो जाता है। और आजकल मॉपिंग के लिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ, अच्छी चीज़ है। और ऊपर में जो है मैं नॉर्मल जो मॉप है मेरा उससे सफाई करती हूँ। अब करण सब्जी ले आया है और मैं बनाऊंगी अब सब्जी, क्योंकि दाल तो मेरी तैयार हो गई है। जो मॉर्निंग का काम होता है ये बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है और इसमें डस्टिंग का काम ज़्यादातर दोपहरी में या शाम का मैं रखती हूँ जब काम हल्का रहता है। कभी भी काम को एक टाइम फ्रेम में मैं ख़त्म नहीं करती, जैसे 6 से 7 मुझे ये करना है, 7 से 8 ऐसे करना है, इस तरह से मैं कोई टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ। बस मुझे ये लगता है कि एक फ़िक्स टाइम तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ और जिस दिन मुझे बहुत तसल्ली से काम करना होता है उस दिन फिर मैं पूरा टाइम घर को देती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनाने भी होते हैं, एडिट भी करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत लंबा रोज ही नहीं फैला सकती हूँ। और इस टाइम तक मैं अपने सारे ब्रेकफास्ट का काम कर लेती हूँ, लंच बना के रख देती हूँ, आटा तैयार करके रख देती हूँ और किचन को बिल्कुल साफ करके रख देती हूँ। और अब फिर से जो फाइनल टचिंग होती है सफाई की, जो एरिया छूट जाते हैं उनको क्लीन करके मैं अपना काम करती हूँ ख़त्म। और इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है मेरा अपना नहाना वगैरह। तो मुझे अगर कोई हेयर मास्क लगाना है या फेस पैक लगाना है वो भी मैं इसी टाइम करती हूँ। वैसे तो क्योंकि मैं नीचे काम कर रही थी तो ऊपर आना नहीं हुआ, नहीं तो जैसे ही मैं सफाई कर लेती हूँ ऊपर आके कपड़े अपने सुखा देती हूँ और ये दोपहरी तक सूख भी जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं नीचे ही आज थोड़ा सा बिजी थी, ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो ये कपड़े सुखाने में देर हो गई। अब मैं आपको बता रही हूँ ये स्क्रब इतना बढ़िया है ना, जो शानू है ना वो कॉफ़ी बीन्स मंगाता है और उन्हें पीस के वो अपनी कॉफ़ी बनाता है, तो वो जो लेफ़्ट ओवर है जो कॉफ़ी बच जाती है ना कॉफ़ी बनने के बाद, मैं उसी को यूज़ करती हूँ स्क्रब करने के लिए। ये शानू ने ही मुझे बताया था। वैसे तो मैं नॉर्मल कॉफ़ी का यूज़ करती थी, बहुत ही बढ़िया स्क्रब है ये, इसे ज़रूर यूज़ करना। नहीं तो नॉर्मल जो कॉफ़ी होती है उसमें हल्का सा ऑयल मिला के उसको फेस स्क्रब की तरह यूज़ करिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसके आते हैं। और ये वाला जो टाइम होता है, इस टाइम अगर मैंने कुछ हेयर पैक वगैरह लगा रखा है तो मैं बाथरूम की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और जो नॉर्मल हल्की फुल्की क्लीनिंग होती है बाथरूम की वो तो डेली ही होती है, लेकिन जैसे आज मुझे थोड़ी सी टाइल्स वगैरह क्लीन करनी है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने फेस पैक लगा लिया है एक और स्क्रब लगा लिया है फेस पर और मैं साथ के साथ बाथरूम की सफाई कर लूँगी। और ऐसा मैं उस दिन भी करती हूँ जिस दिन मुझे अपने हेयर वॉश करने होते हैं। और अब नहाने के बाद जो टाइम होता है सबसे पहले वो होता है पूजा का। आज क्योंकि टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा था तो करण ने ठाकुर जी को नहला दिया है, तो जिसको भी दिखता है कि आज डिले हो रहा है तो एक फ़िक्स टाइम है लड्डू गोपाल की पूजा का, तो उस टाइम कोई ना कोई कर देता है। और आज जो मेरे ये कृष्ण जी हैं इनको मैंने स्नान कराया है और आज इनकी पोशाक चेंज करूँगी। तो ये रोज़ मैं इनको स्नान नहीं कराती हूँ, जिस दिन भी कोई दिन अच्छा होता है उस दिन स्नान करके इनके जो भी पोशाकें हैं वो मैं बदल देती हूँ। और हाँ, इनको जब कभी भी मैं इनका श्रृंगार करती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। अगर मुझे कोई भी पोशाक अच्छी नहीं लगती है तो मैं दोबारा दूसरी चेंज कर देती हूँ। मुझे ईश्वर है, भगवान है, तो मुझे इनको बहुत ही सुंदर देखना पसंद है। तो आज मैंने इनको पोशाक पहनाई, चेंज करी और इस तरह से इनका पूरा श्रृंगार किया। पूजा
पूजा के बगैर या भगवान की सेवा किए बगैर किसी भी तरीके की मेंटल पीस यानी कि मानसिक शांति को फील करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और इसके बाद जो टाइम होता है ये मेरा अपना टाइम होता है जिसमें मैं वीडियोस को एडिट करती हूँ या वीडियोस को पब्लिश करती हूँ। इस वक्त कभी भी किसी भी हाल में अगर मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी है तो 9:30 से ऊपर या 10 से ऊपर टाइम नहीं होता है, और उसके बाद करीब 1 बजे तक मैं इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ जिसमें ब्रांड्स के संग मीटिंग होती है और मेरी कुछ प्लानिंग होती है, वीडियो को एडिट करना होता है, पब्लिश करना होता है, या जो भी मेरा काम होता है अपने करियर से रिलेटेड वो सब मैं इसी टाइम करती हूँ। और इसी तरह से मेरा एक रेस्ट भी हो जाता है। मॉर्निंग 4 बजे से उठ के 10 बजे तक काम करना या मान लीजिए 8 से 9 बजे तक भी काम करना अपने आप में एक काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो अगर हम इसी तरह से काम करते रहेंगे तो थक जाएंगे, 2 दिन काम करेंगे और 3रे दिन बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है टाइम ज़्यादा हो रहा है, काम बचे हुए हैं, तो मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। हाँ, लंच का काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जब मैं अपना काम करने बैठ जाती हूँ तो उसके बाद मैं तभी उठती हूँ जब लंच बनाना होता है। बारह से 1 बजे के बीच में जब मैं वीडियो पब्लिश कर देती हूँ तो उसके बाद बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटी। इस वक्त ही लंच का टाइम होता है, आटा मैंने लगा के रख दिया है और ये मेरे अपने रूटीन से बिल्कुल मैच करता है, और बीच के टाइम में मेरा वीडियो चला जाता है तो मेरा एक काम हो जाता है तो मैं काफ़ी रिलैक्स रहती हूँ। घर का तकरीबन 75 to 80% काम हो चुका होता है। और ये पंखा ना बहुत अच्छा है, छोटा सा फ़ैन, अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है, तो अब क्योंकि तैयार हो जाते हैं तो पसीने बार बार आते हैं गर्मियों में, इसलिए मैं इसे ही लगा के अपना काम करती हूँ किचन में खासकर। वैसे इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, तो मेरा रिव्यू इसके लिए यही है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब हम सब लोग बैठ के करेंगे लंच, और इस तरह से मेरे लंच का यानी किचन का दोपहरी का काम खत्म होता है। जिस तरह से मेरे पास टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं शाम के लिए कुछ छोटी मोटी तैयारी करके रख देती हूँ। जैसे आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसी टाइम पे कुछ बढ़िया चीज़ बना के रख दूँगी। तो अब क्योंकि आ रहे हैं आम और गर्मियाँ हैं तो बहुत ही बढ़िया मैं संदेश बनाऊँगी आम का। तो मैंने ये करीब 1.5 लीटर दूध लिया है और इसका मैं छेना तैयार करूँगी। तो एक मसलिन क्लॉथ ले लिया है, मलमल का कपड़ा, जिसमें मैं छेने को छानूँगी। तो आपको मैं आज बताती हूँ कि छेना किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। जैसे दूध बॉयल हो गया उसके बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए, एकदम से इसमें कुछ नहीं डालना है। और 1.5 लीटर दूध में मैंने करीब 2 बड़े चम्मच सिरका डाल दिया है, और ध्यान रखें सिरके को बिल्कुल साइड में इस तरह से डालें और इसको बिल्कुल ना हिलाएं दूध को, और ऐसे ही छोड़ दें। और करीब 5 मिनट बाद हल्के हाथ से इसे किनारे से चलाना है इस तरह से, और फिर इसे छोड़ देना है, या बीच में एक बार बिल्कुल हल्के हाथ से इसे हिलाइए क्योंकि अब छेना बन रहा होता है, देखिए इस तरह से। और करीब 5 से 6 मिनट बाद जब आप इसे चलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट छेना देखे इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसको हम छान लेते हैं, और इसके बाद अगर आपने नींबू से दूध को फाड़ा है या विनेगर से फाड़ा है दूध को, तो आप इसे पानी से ज़रूर वॉश कीजिए ताकि इसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल या टेस्ट ना रह जाए। और उसके बाद इसमें से एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे, और फिर हमें इसको हाथों से ना अच्छी तरीके से मसलना है। ये करीब हमें 10 से 12 मिनट तक मसलना होता है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल मुलायम हो जाए, और देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाता है। अब मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें छेना डाल दिया है, और अब इसमें ऐड करेंगे 7 बड़े चम्मच चीनी के, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का, और इनको मिक्स कर लेंगे अभी। अगर हम इसी तरीके से डायरेक्टली गैस पे रख देंगे ना तो चीनी कैरमलाइज हो जाती है, टेस्ट बिगड़ जाएगा। मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पे रखेंगे और करीब 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल बढ़िया तरह से इसे चलाएंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए, बिल्कुल चीनी इसमें घुल जाए, और ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जो कढ़ाई है ना उसके जो सतह होती है या नीचे का जो हिस्सा होता है उसे छोड़ने लगता है। इसका मतलब ये तैयार हो गया है। इसे ठंडा कर लेंगे 10 मिनट के लिए, और इस तरह से किसी भी आप एक किसी भी बर्तन में आप इसको इस तरह से फैलाइए, आम के छोटे छोटे टुकड़े की एक लेयर लगाइए, और उसके ऊपर फिर से आप इसी छेने को जो पका हुआ छेना है इसे डाल के हाथ से अच्छी तरीके से दबा देंगे,
और फिर ऊपर से इसमें डाल दीजिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा सा हाथ से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और बिल्कुल मतलब इसमें कोई भी ऑयल का यूज़ हमने नहीं किया है। ड्राई फ्रूट्स डाल के ऊपर से दबा के हम इसको करीब 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब इसके ऊपर डालने के लिए हम एक आम की सॉस बनाएंगे। तो ये देखिए आम का पल्प है जिसमें मैंने 1-2 चम्मच पानी भी मिलाया था। इसको ले लेंगे हम एक कढ़ाई में और इसमें डालेंगे करीब 1.5 चम्मच चीनी। ये एक आम का पल्प है या प्यूरी है और इसमें चीनी डाल देंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसको भी मिक्स करेंगे और गैस पर चढ़ा देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे मत करिएगा और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक बस पका के हम इसको ठंडा कर लेंगे। और इसे फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और हम इसे डिनर के बाद खा रहे हैं। तो थोड़े से इसमें कट लगाइए, ये बिल्कुल अच्छे से मुलायम सा रहता है। और उसके बाद इसको निकालिए और इसके ऊपर जो हमने आम की सॉस बनाई थी ना उसको डाल के सर्व कीजिए। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का रूटीन वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।